गाइस आप सब कैसे हो। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंग्रेजी ब्लॉग्स टैक्स। तो गाइस आज हम लोग आए थे एक जगह पे, जो अभी यहाँ से जाएंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए तो अभी हमारे घर तक जाने के लिए रास्ता चलिए चलते हैं। अभी थोड़ा रुकिए दो मिनट जरा, तब तक हमें एक व्यू लगाता हूँ, व्यू नज़ारा। तो गाइस मैं तो इस तरफ दूसरी जगह पे आया था, माजवट का एरिया है दूसरी जगह, जातिया बदल। मैं इस एरिया को जातिया विद्यालय एरिया बोलता हूँ, बढ़िया है। तो रास्ते में जाते समय चलिए दिखाऊंगा इंटरप्रेज। तो गाइस ये थोड़ा बाद में रास्ता में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रास्ते में जाना। लाइन का था से तो गाइस तो देख सकते हैं मैं आगे जा रहा है। तो गाइस मैं अभी जो माइक लगाया हूँ वो अभी थोड़ा थोड़ा पानी जैसे भाप लग रहा है मेरे को, तो मैं अच्छे तो बोल सकूँगा ना नहीं। देखिए और आगे यहाँ बारिश तूफान आया था, पूरा टूट छूट गया है। रास्ते में भी दिखाऊंगा कुछ भांगा संगा है, आते वक्त मैं देख लिया था। चलिए अभी मैं जब बात नहीं करूँगा, जाते रहूँगा, ठीक है, बात मैं एकदम नहीं करूँगा। तो गाइस ये स्कूल है इस जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ दो दो स्कूल है। एक ये स्कूल देख सक रहे हैं और एक ये स्कूल है। देखिए इसका एंट्री गेट ये है, देख सकते हैं जो स्कूल है इसका नाम मैं अभी बाद में बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन में नाम तो दे सकता हूँ। ओ भाई और ये गेट दिख रहा है, ये जो ये वाला इस स्कूल का गेट है। और यहाँ रंगमंच मतलब फंक्शन जैसे रविंद्र जयंती ऐसा होता है, छठ मैया का छठ पूजा का आयोजन ख़त्म हो जाता है उस दिन, उसका रात में क्या क्या होता है ये देख सकते हैं। और आसाम के विख्यात मतलब यहाँ के सबसे बड़े सिंगर भूपेन हजारिका जी का भी इस तरफ है, वो देख सकते हैं, मैं उस सबसे दिखा दूंगा। चलिए थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ।